नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रेकिंग न्यूज इंडिया में। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान एमएस धोनी और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा शुक्रवार को मुंबई इंडियंस के खिलाफ हुए मुकाबले में नहीं खेल पाए थे, जिसकी वजह उनकी खराब तबीयत बताई गई थी। धोनी और जडेजा की गैर मौजूदगी में चेन्नई सुपर किंग्स को अपने ही घर पर 46 रनों की करारी हार झेलनी पड़ी थी। वैसे अब इस हार के बाद इससे भी बुरी खबर उसके कोच स्टीवन फ्लेमिंग ने दी है। फ्लेमिंग ने धोनी और जडेजा की तबीयत बेहद खराब बताई है। स्टीवन फ्लेमिंग ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि धोनी और जडेजा को तेज बुखार है, दोनों की तबीयत खराब है। जडेजा और धोनी वायरस और बैक्टीरिया के शिकार हो गए। फ्लेमिंग के मुताबिक दूसरी टीमों के साथ भी ऐसी ही दिक्कतें हो रही हैं। धोनी और जडेजा की गैर मौजूदगी चेन्नई सुपर किंग्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ खूब खली। धोनी चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 7 पारियों में 100 से ज्यादा के औसत से 314 रन बना चुके हैं। वहीं जडेजा अपनी बॉलिंग, फील्डिंग और बल्लेबाजी से टीम का संतुलन बनाते हैं। वैसे चेन्नई की टीम प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की कर चुकी है। चेन्नई का अगला मुकाबला 1 मई को दिल्ली कैपिटल्स से होना है। आपको बता दें, धोनी सिर्फ बुखार से ही पीड़ित नहीं है बल्कि उनकी कमर में भी जकड़न है। सनराइजर हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले में वो कमर दर्द के चलते नहीं खेल पाए थे। वर्ल्ड कप से पहले धोनी की तबीयत खराब होना टीम इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं है। इसी तरह के क्रिकेट अपडेट्स से बने रहने के लिए हमारे चैनल ब्रेकिंग न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।